अपना मोटरसाइकिल कर चलो मैं देख लेना जी अगले लोगों को सर प्रिंसिपल ने अगर केसिंग है तो अगर केस कर देंगे से जेड़ा ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਰ ਕਾਜ ਦਾ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਪਿਆ ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਜ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਲੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ ਗਏ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਮਿੱਠੀ ਆ ਜੀ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਬਹਿਣ ਨਾਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਕੇ ਪਏ ਸਨ ਨਲਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਪੜ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕਰਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਬੇਕ ਕੋਈ ਪੀਣ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰ ਸਾਡੀ ਬੈਂਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣੀ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਚਲੋ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੋਈ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਜੀ कॉलेज मुक्तसर वालों मैं सर सिंह मलोड़ तो है जी मैं गवर्नमेंट कॉलेज मुक्तसर पढ़ता जी तो साड़िया ये मंगा ने एक तो सिक्ख्या व्यापारीकरण हो रहा है जेड़ा तो लोग अपने जिन्हें भी स्टूडेंट ने सारे पढ़ लिख के बेरोजगार फिरते हैं एक उस प्रति एक साढ़े गवर्नमेंट कॉलेज वालों साढ़े सारे स्टूडेंट सारी मंग है भी साढ़े तो आटे लिया गया सी हर साल पी टी ए बढ़ा दिता जाता है कदे 400 कदे 500 तो हुण 800 ले लिया गया कई तो 1000 रुपये भी लिया गया पी टी ए लेट फीस करके जी तो ये पी टी ए का क्या गया जी सू लैके इस बी असी नलके लवा अपने फिल्टर एयर सिस्टम लवा देंगे बैठने बेंच बनवा देंगे सफाई का प्रबंध करा डिस्पेंसरी खुला देंगे तो बाथरूम की सफाई की जाएगी पर हाले तक कोई सफाई नहीं की गई ना कोई अपने एयर सिस्टम लग्या गया जी ना ही सफाई का प्रबंध है तो ना ही बैठने बेंच बने हैं जो असं आपकी मंगा लैके प्रिंसीपल को गए साड़ी कोई मंग नहीं सुनी गई प्रिंसीपल ने उत्तों सूँ धमकया कहता जोड़ा भी साड़ी मैं किसी भी व्यक्ति की किसी स्टूडेंट की मैं मंग भी कर सकता एक दी कहिंदा मेरा लहू भी रखा कहिंदा मैनूं पुलिस की धमकी दी गई कहिंदा जी पुलिस नूं बुलावांगा मैं तुहाडे ते केस करांगा सारे स्टूडेंटां ते मैनूं तंग कर रखा तुसीं असीं कहा सर साडियां आपदियां स्टूडेंट साथियां दी मंगां ने ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਨੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਫੰਡ ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਹੈ
हरेक विद्यार्थी पिछले साल ऐ होया जी कि जिहड़े विद्यार्थी का भाई भैन इत्थे लग्या उसनों उसका फंड नहीं लिया जाता सी, इस वाल इन्होंने सारियां तो ही लिया, भावें उसका भरा लग्या भावें भैन लगी, दोनों तो पीटीए फंड ले गए हैं। तो कॉलेज का कोई सुधार नहीं, कल साढ़े तहसीलदार साहब आए सन इतने दो तीन दिन पहला, तो उन्होंने एक माइक का इंतजाम नहीं हो सकया इन्हों तो, तो इन्हों को इन्ना पीटीए फंड होने के बावजूद एक कॉलेज लिए माइक का इंतजाम नहीं कर सकते, तो गलत गल है जी। अपनी जल्द मंगा जल्द तो जल्द पूरियां कीतियां जान, तो साडा ये जो भी पानी का सिस्टम है जो भी बैठ बैचों बैठा वो सब कुछ पूरा किया जाए। एक गल होर, प्रिंसीपल साहबान को जो असं गए तो उन्होंने असं अपनी मंग दसी, उन्होंने सानू यह गल कही है कि मेरिया तो 365 छुट्टियां इस कॉलेज से पईया हैं, जदों मर्जी मैं ले लाँ तो तुहाडे कॉलेज में ऐं छड्ड के जा सकदा, तो तुसीं मेरे कोल आउण दी कोई जरूरत नहीं, किसी भी ना मेन बार बार तंग करो इस गल ते। एक तो साडे आर ओ सिस्टम लग्या जाए पानी वास्ते, पीण दा वधिया प्रबंध होवे, एक फ्लश सिस्टम इतने बाथरूम बिल्कुल भी साफ नहीं, कोई उत्थे पानी का इंतजाम नहीं, तो साढ़े बैठने एक बेंच भी है नहीं, इतने बच्चे बाहर बैठ रहे हैं, कोई कितने विचाले खड़े होंगे सड़क के, तो बस साड़िया यही मंगा है जो कि जल्द तो जल्द पूरी की जाए। डी सी साहब ने तुम्हें की विश्वास दवाया? डी सी साहब ने कहा कि वो जल्द ही प्रिंसीपल साहब न बुला के थोड़ी मंगा बारे विचार किया जाएगा, उन्होंने गल सुन तो बाद इन्हों का तुरंत हल किया जाएगा। दोगनाथ जी के समय उस वेले हर मंगा स्टूडेंट द पूरी की जाती सन, हर वेले स्टूडेंट के नाल तुरते सन, पर जिहड़े हुण गोपाल सिंह ने प्रिंसीपल गवर्नमेंट कॉलेज मुकतसर दे साडियां मंगा नहीं सुन रहे हैं, वह साडे ते टुट के पै रहे हैं। असी 800 पीडीए दिया, 80 लाख रुपया बैंक में अकाउंट हैगा, हले भी 80 लाख रुपया पिया, पर कॉलेज के कोई भी सुधार नहीं किया जा रहा। प्रिंसीपल कहते अं नक्शा बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर हले तक कोई भी सुधार नहीं होया। अं चाहते हैं भी सरकार को भी साडा ये हक जिहड़ा हैगा वो दिता जाए, छेती तो छेती मंग साडी पूरी की जाए, तो जे इहोजे प्रिंसीपल रहणगे कॉलेज के जे स्टूडेंट की मंग करन, तो इहोजे प्रिंसीपल कॉलेज में कोई सुनने वाला होवे इस दी लोड़ है। सरकार नूं मंग करदे आ भी इह काम किया जाए। साढ़े गवर्नमेंट कॉलेज जिहड़ा फीस लैण दा तरीका इह बहुत ही ज़्यादा गलत है जी। आम करके कि प्राइवेट कॉलेजा च एक महीना पहला दस्या जांदा भी अगले महीने की इन्नी तरीक नूं थोड़ी फीस ली जाए, बट साढ़े गवर्नमेंट कॉलेज इन्होंने तरीका बिल्कुल ही गलत है। सिर्फ दो दिन पहला दसाया जाता है विद्यार्थियों भी कल जी तुम इन्ने पैसे लैके आ जाओ। असी सारे मध्यम वर्ग के लोग ही गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं, वो सिर्फ दो दिन च इन्नी ज़्यादा फीस कितों लैके आएंगे। साड़ी ये मंग है कि फीस देन की चलो फीस नहीं कटाते ना कटा, बट मोहलत तो घट्टो घट्ट 15 दिन पहला सू दसना चाहिए भी साड़ी फीस इन्नी तरीक।